जो है वही पढ़ो। पूरा यहां से यहां दिख रहा है ना, हम दिख रहे हैं हम। अरे बोर्ड दिख रहा है ना भाई सबको। चलो देखो, बेसिक कल जैसे हम लोग पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया था कि यदि कोई चार्ज Q1 यहाँ है और कोई Q2 चार्ज यहाँ है और इसके बीच का सेपरेशन कितना था R, तो क्या आ गया था ये पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R। क्या मार्कर? दिख रहा होगा, अच्छा तो विजिबल है। इतना बड़ा यू लिखें, इतना बड़ा यू, अब दिख रहा है इतना बड़ा के Q2 by R। ये सही है, ये विजिबल है नीचे वाला, ये वाला विजिबल है ना जी। देखो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता था? मान लो इस चार्ज के लिए हमको चेक करना है तो क्या लिखते थे? KQ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफाइन करता है? U by Q2। यहाँ पे Q2 के लिए यदि देखे तो नहीं कोई दिक्कत, तो यहाँ से Q2 Q2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया? Q1 by R, यही आया था ना दोनों, यही क्या किए थे ना हम लोग। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाता है? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यू एट इन्फिनिटी कितना होगा? आर इन्फिनिटी, आर कितना होगा? इन्फिनिटी, तो ये चीज 0। इसी को बोले थे कल हम लोग रिफरेंस लेंगे, है ना। चलो ना, काफी है कल वाले के लिए, और आप क्वेश्चन करो भाई। देखो, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, कहाँ लिख रहा है, एक चार्ज है यहाँ पे 3 कूलम और यहाँ पे 5 कूलम, ठीक है, और इसका सेपरेशन जो है वो कितना है? मान लो 2 मीटर है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी यू, बताओ कितना होगा? बताओ, इसको 2 कहें 3 कर दो, आसान हो जाएगा तब। आप 3 मीटर कर दो, बताओ। आया ना, ऑप्शन दे लो, 2K 3K 5K और 15K। देखो, पोटेंशियल एनर्जी अभी बताए थे ना क्या होता है, K Q1 Q2 by R, तो यहाँ पे इसको क्या कह दो Q1, इसको क्या कह दो Q2, तो क्या हो जाएगा? के आया सबको, 5 आ गया ना। चलो, एक क्वेश्चन ये हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो इसी का। इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। ऑप्शन इसका है, पहला 6K, B 7.5K, C 5K, D 6.5K। ये आ गया सबको, आया
सबको आया कि नहीं आया? केवल एक ही गौतम बोल रहा है, बाकी बस सब सोया हुआ है लग रहा है। चलो देखो देखो इसमें क्या किए हैं हम लोग, कह रहे हैं कि सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीज। ये क्या है? डिक्रीज यानी इसके पहले जो 3 कूलम और 5 कूलम के बीच का सेपरेशन कितना था इनिशियली? 3 ना, तो अब कितना हो जाएगा? डिक्रीज बाय 1 मीटर ना, एक घटा दो तो कितना हो गया? 2 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। यू बराबर क्या लिखेंगे? के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो के 3 × 5/2 ना, आर इस बार 2 मीटर होगा ना, तो ये 15 का आधा ना हो जाएगा 7.5 के। अब एक चीज बताइए, यहां से एक चीज ऑब्जर्व हुआ कि सेपरेशन बढ़ने पे, सॉरी सेपरेशन घटने पे यानी आर को डिक्रीज होने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आया क्लियर? अरे ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? छोटा सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है ये। हाँ अच्छा, अब एक चीज बताओ बाबू रे, इसी को देखो बारी बारी से हम लोग सारे चीज लेवल कर लेंगे, है ना। देखो डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर, क्लियर है? चलो एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे +3 कूलम है बाबू नरे सब, और यहाँ भी क्या है? +5 कूलम है, क्लियर है ना। अब एक चीज बताइए, इस दोनों को यानी बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन लगेगा, यानी क्या इसको इधर दूर जाना चाहिए? नहीं, दूर जाना चाहिए ना, तो यानी ये 3 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी होना चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, लेकिन हम क्या किए हैं, इसको कैलकुलेट किए हैं कितना, डिक्रीज बाय 1 मीटर, यानी इधर ना लाए हैं, 1 मीटर इधर लाए कि नहीं लाए? नहीं आया लग रहा समझ में किसी को? इधर लाए ना इस चार्ज को, तो यानी हम इस पे काम किए होंगे। देखो इधर एफसी है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है? इस पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहेगा? तुम इधर जाओ ना कि इस साइड आओ, ऐसा समझ में कि नहीं है? ये कंजर्वेटिव फोर्स कहेगा तुम राइट साइड मूव करो, लेकिन हम किधर इस क्वेश्चन में किधर मूव करवाए हैं? लेफ्ट साइड, यानी हम इस पे कुछ ना कुछ वर्क किए होंगे, क्लियर है कि नहीं इतना बात? यानी हम कोई ना, मतलब क्या, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे क्या? नहीं आया समझ में लग रहा है किसी को? कोई इस फोर्स के अगेंस्ट में कोई एक फोर्स लगाए होंगे, तब तो इसका सेपरेशन 1 मीटर कर पाए, सॉरी 2 मीटर कर पाए, 1 मीटर रिड्यूस करके, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना सबको? तो अब एक चीज बताइए, ये जो फोर्स लगा है एक्सटर्नल है ना, तो फोर्स जो लगा है एक्सटर्नल उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? थोड़ा सा म्यूट कर लो। क्वेश्चन यहां दिख जाएगा, थर्ड क्वेश्चन लिख लो, वर्क डन बाय एजेंट। एजेंट क्या होता है? हाँ एक्सटर्नल है ना, वर्क डन बाय एजेंट टू रिड्यूस द सेपरेशन बिटवीन देम बाय 1 मीटर। चलो वर्क डन बताओ। अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता था? डेल्टा यू होता था कि नहीं होता था? बता ही देते हैं, कल पढ़ाए थे नहीं थे, एक्सटर्नल के लिए डेल्टा और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या आया था? माइनस डेल्टा यू, नहीं आया था क्या? इसमें लिखते थे क्या यू एफ माइनस यू आई, यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब एक चीज बताओ बाबू रे, यू एफ कितना है फाइनल तुम्हारा, कितना हो गया सेपरेशन के बाद? 7.5 नहीं हो गया? नहीं आ रहा लगा समझ में किसी को?
माइनस यू आई, ये तो इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया यू एफ फाइनल, तो यू एफ आई कितना है 5 के, तो कितना आ जाएगा 2.5 के आएगा कि नहीं आएगा, इतना जूल नहीं आया लग रहा है इसका समझ में किसी को, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। आ देखो ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया सो बताओ, यानी पक्का कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क किया होगा, क्लियर है। अब वैसे भी हम अभी जस्ट लॉजिक से भी समझाए कि नहीं समझाए, हमको लगता समझ में आया जाना चाहिए सबको। अच्छा एक चीज बताइए, तो ये हो गया लिख लिए सब, एक क्वेश्चन इसी में और करवा दें, तुम लोग भी परेशान हो जाते हो हमसे नहीं। हाँ सर एक क्वेश्चन लेते हैं, धमाधम मारते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो अच्छा एक चीज बताओ बाबू रे, फोर्थ में छोटा सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, हार्ड नहीं है, यदि थोड़ा सा ध्यान होगा ना तो अपने आप आ जाएगा। चलो हम ही बता देते हैं आज, है ना। हम कल बताए थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है ना वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर, नहीं होता है लग रहा, नहीं लग किसी को नहीं आया लग रहा है। और यही पूछ रहे हैं ना हम अभी इसमें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पूछ रहे हैं, तो डब्ल्यू एफ सी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अभी जस्ट निकाले हैं, कितना कितना निकाले 2.5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस 2.5 के। आया समझ में कि नहीं आया सबको, हमको लगता है कि जितना कंसेप्ट हम लोग कल पढ़े थे सारे पे के क्वेश्चन हो गया एक ही क्वेश्चन से, नहीं हुआ क्या। अरे बताओ भाई क्या आवाज, अच्छा ठीक है माइक ऑफ कर लो बाबू, जब प्रॉब्लम है ना तब आना। आया तुमको समझ में कि नहीं आया, सब समझ में आना चाहिए। मिटा दे पधारिए, आगे बढ़े भाई रे, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई एक तो बोल दो। चलो अरे पढ़ा रहे हम तो सर, कुछ सब कुछ अच्छा ही से जाने। देखो लिखो एक छोटा सा चीज है, बस ध्यान रखना है इसको, है ना, कि नंबर ऑफ पेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या बोले हम, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, कितना एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, छोटा सा जैसे देखो यदि दो चार्जेज हो, क्या हो दो चार्जेज हो, तो इसका पेयर कितना होगा, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, तो पेयर मतलब क्या जोड़ा, नहीं यानी दो चीज दो आना चाहिए, तो ये कितना हुआ, एक पेयर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझे लग रहा है,
आया समझ के नहीं आया सबको? अब एक चीज देखो, यहां से एक पेयर आया, पेयर वन आया ना, देखो इससे भी यही आ जाएगा, नंबर ऑफ पेयर कितना आ जाएगा, एन कितना है, एन बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू ना, टू चार्जेस तो एन बराबर टू, तो टू इंटू टू माइनस वन बाय टू, टू टू कट गया, कितना बचा वन, तो वन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है? सेकेंड वाला, यदि थ्री चार्जेज है, कितना है, थ्री चार्जेज, ये किस केस में आता है थ्री चार्जेज, ट्रायंगल के केस में, किस केस में, ट्रायंगल के केस में तीन आते हैं ना, कोण पे रख देते हैं हम लोग वर्टेक्स पर उसके, तो एन बराबर कितना हो गया थ्री, तो नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो एन कितना है थ्री, और थ्री माइनस वन बाय टू, थ्री माइनस वन कितना, टू ही है ना, कट गया, कितना आया, थ्री पेयर्स हुए कि नहीं हुए, कोई दिक्कत? अब देख लो, एक दो तीन है ना, अब एक पेयर हुआ, दो पेयर हुआ, तीन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, सबको विजिबल है, यहाँ पे चार्ज है मान लो Q1, Q2, Q3, थ्री चार्जेज हैं, तीन पेयर, कोई दिक्कत है बाबू रे किसी को? थर्ड देख लो, यदि फोर चार्जेज है, कितने हैं, फोर चार्जेज, इसमें क्या आता है, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब है ना, यानी पॉलीगोन सब कह सकते हैं, तो n बराबर कितना हो गया, फोर, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, फोर इंटू फोर माइनस वन बाय टू, तो कितना हो गया, टू ना, तो तीन, कितना होगा, सिक्स होगा कि नहीं होगा, देखो होगा भी सिक्स पेयर, Q1, Q2, Q3, Q4, है कि नहीं है, देखो एक पेयर हुआ, ये दो पेयर हुआ, ये थ्री पेयर हुआ, ये फोर पेयर हुआ, अब एक देखो सिक्स पेयर, फोर पेयर, फाइव पेयर हुआ, और एक ये नहीं होगा सिक्स पेयर, अब कोई भी पेयर पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ सिक्स पेयर हो गए कि नहीं हो गए, चलो ये चीज लिख लो आप, क्वेश्चन इसी पे होंगे है ना, सबको विजिबल क्लियर है, रघुनाथ सर, राहुल क्लियर है ना, विजिबल है ना सारे कुछ, चलो ठीक, चलो देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको पेयर चार्ज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, पेयर चार्ज नहीं चाहिए, दो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाय R ना, तो एक पेयर का चार्ज, एक पेयर का ही पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट किए हैं कि कितने भी पेयर बन जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना, मिटा दो भाई रे, कोई एक बोल दो, मिटा दो, क्या लग नहीं रहा है, सब सो गया क्या, चलो देखो ये है Q1, Q2, Q3, इसका सेपरेशन R, R, R है ना,
पहला क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम, फॉर द सिस्टम यानी होल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। तो ये करना है। अभी जस्ट हम लोग बताए ना एक पेयर के पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, और फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, इजिली ऐड और इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना इतना। तो एक पेयर के लिए, ये फर्स्ट पेयर के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। U1 बराबर कितना होगा, के Q1 Q2 बाय R, यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी बराबर। तो पोटेंशियल फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, के तो के ही रह जाएगा, के क्या हो, के ये बराबर वाला Q2 बाय R। सिमिलरली इसको सेकेंड पेयर के लिए, इस पेयर के लिए कितना आ जाएगा, के Q2 Q3 बाय सेपरेशन कितना है R। सिमिलरली ये थर्ड पेयर होंगे ना, तो पोटेंशियल थ्री, अरे भाई बंद कर लो, कितना हो जाएगा Q1 Q3 बाय R। और ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग, ये तो सेपरेशन नहीं, अलग अलग नहीं पूछा है, किसके लिए पूछा है, सिस्टम के लिए। तो क्या करेंगे, सिस्टम तो पूरे होते हैं ना, उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 इन पेयर का सम। क्लियर है ना। तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय R प्लस के Q2 Q3 बाय R प्लस के Q3 Q1 बाय R। क्लियर है कि नहीं है, सबको विजिबल है, सबको क्लियर है। हाँ चलो, यदि क्लियर है, एक क्वेश्चन तो हम बना दिए, दूसरा क्वेश्चन इसी का आप हमारे लिए बना दीजिए, है ना। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी फॉर Q1 चार्ज, Q1 चार्ज, Q1 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q1 चार्ज। नौ सौ चालू है, अच्छा रूटीन आपको मिल जाएगा, कल से चेंज हुआ है ये, आज से लागू हुआ है। चलिए क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट जो अभी बताए हैं वो कोई बताएगा कि बता दूं मैं अभी। Q1 के लिए देखो, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, और इसके सेपरेशन कितने हैं सबके, R R R। तो पहला के लिए देखो यार, बड़ा वाला Q1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो Q1 का इन्वॉल्व इसमें होगा, है ना, Q1 का इन्वॉल्व इसमें होगा, ऐसा मुमकिन है। इस पेयर में कभी भी Q1 आ रहा है तो Q1 से कितना पेयर बना, दो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा Q1 के लिए, पोटेंशियल एनर्जी Q1 के लिए कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय सेपरेशन R प्लस ये कितना हो जाएगा, के Q1 Q3 बाय R। आया समझ में कि नहीं आया, ये किसके लिए हो गया, Q1 के लिए। अब तो हमको लगता है सबसे आप सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन एज इट इज है, बस इस बार क्यों 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 माइनस क्यों,
तो रेक्टेंगल बन गया। इसका साइड है ए ए ए ए। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा। जीरो आ गया। तुम बुरबक हो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बात बोल के म्यूट कर लिया करो, है ना, दूसरा आवाज भी कान में गूंजते रहता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो सबसे पहला नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, फोर, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, सिक्स ना, फोर इंटू फोर माइनस वन बाय टू लिखते थे ना, अरे एन इंटू एन इंटू एन माइनस वन बाय टू ना लिखते हैं नंबर ऑफ पेयर के लिए। जीरो आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं, हम भी रेंडमली ही दिए ना, तो सिक्स पेयर अभी जस्ट बताए थे, सिक्स पेयर बनेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम, एक तो ये पेयर बनेगा, बनेगा ना, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए होगा कि नहीं होगा, दूसरा ये बनेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, तीसरा ये बनेगा ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय के क्यू स्क्वायर बाय ए, एक तो ये बनेगा ना, ये कितना बनेगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब कोई नहीं इसको इंक्लूड किया होगा, क्या है, क्या है ना, चलो सही है, तो इसके दोनों के वजह से कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय, इसका सेपरेशन कितना है, रूट टू ए, है ना, तो कितना हो जाएगा, रूट टू ए। अब इसके वजह से कितना होगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम कितना हो गया, जीरो। क्लियर है कि नहीं है, हुँ? अब एक चीज देखो, सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज माइनस क्यू, फाइंड आउट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। हुआ, समझ में आया, क्या है, इतना अच्छा, कितना आया, आसान तो है ये वाला, माइनस क्यू के चलते कितना होगा, देखो माइनस क्यू इससे लिंक होगा, माइनस क्यू इससे लिंक होगा, माइनस क्यू इससे लिंक होगा, होगा ना, तीन पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इससे क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, इससे ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, और एक तो ये होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, तो गया, इस सारे को जोड़ दीजिए, लगा तो है कि नहीं है, कोई कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड है,
जाना चाहिए। चलो ये तो टेस्ट हो गया। यहाँ देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 कूलम, 3 कूलम और यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है। इसका सेपरेशन 1 मीटर, इसका सेपरेशन भी 1 मीटर। क्लियर है? और इस क्वेश्चन लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू। ना चलो क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो। आंसर लिख लो, 1.5 कूलम, दूसरा -1.5 कूलम, तीसरा 2 कूलम, चौथा 3 कूलम। हाँ लिखो ऑप्शन। कितना? ना बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ना, कैसे बना रहा है? फॉर द सिस्टम जीरो करो ना, अपने आप बन जाएगा। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन। चलो देख लो। कितने चार्जेज हैं बाबू रे? 3 चार्जेज है ना, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कितने पेयर बनेंगे 3 चार्जर के लिए? 3 ही बनता है ना, 3 चार्जर के लिए 3 पेयर, 1 चार्ज के लिए 1 पेयर, 3 चार्ज के लिए 2 चार्ज के लिए सॉरी 2 चार्ज के लिए 1 पेयर, 3 चार्ज के लिए 3 पेयर और 4 चार्ज के लिए 6 पेयर, ऐसे ही बना था ना। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये पेयर दिख रहा होगा तुम लोग को और एक ये पेयर तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा ना? तो देखो, और एक बार ये चार्ज और एक बार ये चार्ज, दोनों पेयर नहीं बना लेंगे? दिखा, 3 पेयर। चलो देखो, पहले माइक बंद करो, कौन है? बंद करो सब, एक बार समझा देते। एक पेयर तो ये बना 2 कूलम और 3 कूलम का, दूसरा पेयर बना 3 कूलम और क्यू का, और तीसरा पेयर बना इसका, मतलब 2 कूलम का और क्यू का। नहीं दिख रहा, बाउंड्री तुम लगा दिए हैं। अब देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम क्या हो जाएगा? पहला पेयर फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो और पेयर थर्ड कर दो, तो U1 प्लस U2 प्लस U3। क्लियर है ना? तो U1 के लिए क्या आ जाएगा? 3, 2, 6, या लिख लो K into 2 into 3 बाय सेपरेशन कितना है इसके बीच का? 1 प्लस 2 के लिए सेपरेशन कितना है? 1 ही।
चार्जेस कितना हो जाएंगे, टू के इंटू टू इंटू सॉरी थ्री इंटू क्यू, और थर्ड के लिए कितना हो जाएगा के इंटू टू इंटू क्यू। अब इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है? तो यहां से देखो कितना आया, 6 के आया, और यहां से कितना आया, कितना आया 3 के क्यू, और यहां से 1 के क्यू, नहीं आया क्या? तो ये कितने हो जाएंगे? और सिस्टम के लिए चार्ज कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो 0 0 0, तो इसको लिख दो इधर -6 के, और इधर हो जाएगा 4 के क्यू, तो ये कट गया, तो और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी -3/2 यानी -1.5 कूलम। आया समझ में कि नहीं आया? सबको क्लियर है? अब बोलो, अब तो नहीं बोलेगा? इसको पहला कर दो, है ना? दूसरा क्वेश्चन लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द चार्ज 2 कूलम, 2 कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ऑप्शन दे दे इसके लिए, ऑप्शन है 5.5 के, सेकंड है 4.5 के, थर्ड है 3 के, और ये है 2 के। पोटेंशियल एनर्जी ये क्वेश्चन सबको विजिबल है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द चार्ज 2 कूलम, यानी इस 2 कूलम का हमको चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इन्वॉल्व इसमें। बना ये वाला, ऑप्शन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज 2 कूलम, तो 2 कूलम के लिए, यहाँ देखो 2 कूलम के लिए है ना, 2 कूलम का इन्वॉल्वमेंट इससे है, 2 कूलम का इन्वॉल्वमेंट इससे है। अब इसका तो वैल्यू तुमको पता चल चुका है ना, कितना है, -1.5, नहीं है, है कि नहीं है? अब देखो तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 कूलम कितना होगा, के इससे 6/1, फिर क्या होगा इससे उसका, तो माइनस, और 15 दुना 30, यानी 3 के/2, तो कितना होगा 6 के माइनस, कितना होगा 2 1.5 ना, 1.5 के होगा कि नहीं, तो 4.5 के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? छोटा सा क्वेश्चन था, बाहर था क्या? सबको समझ में आया कि हम ही केबल बनाए जा रहे हैं? चलो आइए, समझ में आया ना कि ये 6 के कहाँ से आया, इसी को लिख सकता है 3 × 2, और इसको क्या लिख देना, के इंटू ये 2 × 1.5, इतना आ जाता है।
कितना चलो एक क्वेश्चन और करें। हाँ अरे भाई करे रे क्वेश्चन, कुछ बोल नहीं रहा। चलो देखो, तीन चार्जेज हैं, इसका 1 मीटर सेपरेशन है, इसका भी सेपरेशन 1 मीटर है, ये सारे कूलम में, ये 5 कूलम। देखो एक चीज बताओ तुम लोग कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो होता है ना, क्योंकि आर क्या हो जाता है? इन्फिनिटी है ना। अब तुमसे यदि कोई पूछे यहाँ पे फाइंड द वर्क डन टू असेंबलिंग द चार्जेज, इसका मतलब समझ में आया? असेंबलिंग द चार्जेज, ये चार्जेज है ना तीनों को। अब यहां एक चीज बताओ, ये प्लस है ना, और ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। अब हमको इसको असेंबल का मतलब समझ लो, एक सेकेंड पहले असेंबलिंग का है ना। असेंबलिंग मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चीज इन्फिनिटी पे है, क्या कहे? इन्फिनिटी पे है, तो उसको जो क्वेश्चन में जैसा ये पोजीशन दिया हुआ ना, इस पोजीशन में लाने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सो बताओ। अरे कोई चार्ज ये इन्फिनिटी पे था ना, तो ये 1 मीटर सेपरेशन पे आया है, ये भी कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, तो कहाँ लाए इसको? 1 मीटर सेपरेशन पे लाए। तो अब हमको क्या चाहिए? इस सेपरेशन पे जो आया है, तो कुछ ना कुछ हम इस पे एक्सटर्नल वर्क किए होंगे कि नहीं किए होंगे, तब ना आएगा, नहीं तो अपने आप। देखो इस दोनों का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो इस पे हम वर्क किए कि नहीं किए? और यहाँ पे क्या है, ये रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये खुद वर्क करेगा, इस पे हम वर्क करें, मतलब सारे को प्लस माइनस करके हमको एक सिस्टम के लिए असेंबलिंग द चार्जेस, या लिख लो असेंबलिंग द सिस्टम है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं असेंबली के लिए, सो बताओ। वर्क डन बाय अस, हम लोग के द्वारा, अभी बताए थे ना किसके लिए, नहीं बताए थे एक्सटर्नल वर्क, तो वर्क डन क्या होगा? एक्सटर्नल होगा है ना, यानी इसी को लिख सकते हैं वर्क डन बाय अस। अस मतलब क्या? एक्सटर्नल कोई एजेंट होगा, नहीं होगा, एजेंट ही ना वर्क करेगा। तो अब असेंबलिंग का मतलब समझ में आ गया अब, कि कोई चार्ज कहीं पे है, उसको हमको मतलब तो कहीं पे क्या, हम लोग रिफरेंस कल बताए थे ना, जब जीरो लिए थे तो वहां पे क्या लिखे थे, एक रिफरेंस लिखे थे कि नहीं लिखे थे एवरीवन? तो वही चीज है कि इस चीज, कोई चीज चार्ज इन्फिनिटी पे था और हम इस सिस्टम में लाए हैं। किस सिस्टम में लाए हैं? कि वो 3 से भी 1 मीटर हो और 3 से भी ये चार्ज कितना हो? 1 मीटर हो। तो ये यहाँ पे हमको लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं और यहाँ से लाए हैं, तो बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क हुआ होगा, वही हुआ असेंबलिंग करने का। इकट्ठा नहीं करते हैं, असेंबलिंग मतलब क्या होता है? इकट्ठा एक जगह करना। तो यहाँ पे एक जगह करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ना। आपसे इस वर्ड का समझ में आया मतलब क्या होता है? चलो असेंबलिंग न करो, बताओ इसका वर्क डन बाय, यानी वर्क डन टू असेंबलिंग द चार्जेज, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय क्या पूछ रहा है? एक्सटर्नल पूछ रहा है ना, आया समझ में कि नहीं आया? वर्क डन एक्सटर्नल, चलो फाइंड आउट करो।
या लिख देना वर्क डन बाय अस या एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहां से इन्फिनिटी टू गिवेन पोजीशन। नहीं आया समझ में कि नहीं आया, यही चीज जो अभी समझाए हैं उसी चीज को देख दिए। एक चीज बताओ, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यानी यू आई ए भाई कौन है वहां पे, मैं खुला हुआ बंद करो। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यू आई कितना होगा? सारे के सारे चार्जेस तो इन्फिनिटी पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना होता है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? अब फाइनली कहाँ आया है? यहाँ पे ना। फाइनली कहाँ पे आया है? इस पोजीशन पे ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यूएफ कितना हुआ? चार्जेस कितने हैं? चार्जेस कितने हैं? थ्री। अब एक चीज बताइए, थ्री चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड आउट करें? अभी जस्ट बताना है, पेयर के लिए, पेयर करने के लिए क्या होता है? के इसका इसके साथ एक पेयर बनेगा, तो टू इंटू थ्री बाय इसका सेपरेशन कितना? वन सेकेंड। इसका और इसका पेयर बनाएंगे तो कितना लिखेंगे? के। तो कल बोले थे ना यदि प्लस लिखना है तो प्लस लिख दो, चार्ज को किसके साथ लिख दो? साइन के साथ। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में बोले थे साइन के साथ रख दो। ये कितना हो जाएगा? -5 बाय इसका सेपरेशन भी कितना है? वन प्लस दो पेयर और एक ये और एक चार्ज, इसका पेयर बनेगा तो के टू इंटू -5 बाय सेपरेशन कितना है इसमें? वन वन टू। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया? 6K। ये कितना हो गया? -15K। और ये कितना हो गया? ये टू टू कैंसिल तो -5। क्लियर है? नहीं आया लग रहा समझ में। ये आया -14K आया ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? -14K। क्लियर है? इतना लिखो पहले। मेन होता है क्वेश्चन में, अब कभी भी क्वेश्चन करवाएंगे ना, एक वर्ड का हम इतना मीनिंग समझाए हैं, सिंपल सा वर्ड। क्लियर है? तो अब जब ये बोले कि असेंबलिंग करना है, मतलब फटाक से अपने को इनिशियल केस क्या ले लेना है? इन्फिनिटी। कहीं भी रहे कोई मतलब अपने को नहीं, बस ये फाइनल इनिशियल हो गया और ये हमारा फाइनल जो पोजीशन है वहां पे है, आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा वाला केस अभी जस्ट फाइनल वाला जो केस है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? चलो बताओ, अब वर्क डन बाय क्या होगा? एक्सटर्नल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है? डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होता है? यू एफ -UI होता है ना। अब एक चीज बताओ बाबू रे, UF कितना है? -14K। -UI कितना है? जीरो। आंसर कितना आ गया? -14K। यानी इतना वर्क माइनस आया ना, एक्सटर्नल क्या आ गया? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग एक्सटर्नल वर्क कुछ नहीं किए होंगे, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स खुद कर लिए होंगे, और होना भी चाहिए ना। एक चीज बताइए, ये कितना चार्ज है? फाइन हार्ड है ना, हाई अमाउंट का चार्ज है। नहीं तो ये क्या करेगा? इस दोनों को अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। नहीं करेगा? आया समझ में कि नहीं आया सबको? रे क्लियर हो जाना चाहिए। और करेगा क्वेश्चन? हाँ? चलो पहले ये लिखो, पहले ये लिखो जल्दी से।
और जिससे ये बन जाए उसके लिए क्वेश्चन। इस पे चार्जेस क्यों, इस पे चार्जेस क्यों, इस पे चार्जेस। सेपरेशन जो है 4a 4a 4a। क्लियर है सबको, विजिबल है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, बस अभी रुको थोड़ा सा समझाने दो क्वेश्चन की। चलो देख लो, एक चीज बताओ, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करेगा यानी इसके लिए इस चार्ज पे इधर फोर्स, इसके लिए इधर फोर्स, यानी नेट फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। आया समझ में कि नहीं आया। सिमिलरली ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर आया कि नहीं आया। सिमिलरली ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी ये सारे केसेस में ये चार्जेस क्या करना चाहेंगे, यदि हम कुछ नहीं करें, क्या करें, हम कुछ नहीं करें तो ये चार्ज क्या करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, यानी फैलना चाहेगा। नहीं अरे भाई, फैलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। यदि इसको रिड्यूस करवाना है, इस साइड को क्या करना है, रिड्यूस करवाना है, इसका मतलब क्या, इसके अगेंस्ट में, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये क्या हो गया, एफसी है। क्लियर है ना, यदि इसको रिड्यूस करवाना है तो यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको इस पे एक्ट करवाना होगा जो ये क्या हो जाए, रिड्यूस हो। क्लियर है, चलो इतना तो, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब समझाएं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड फाइंड द वर्क डन है ना टू रिड्यूस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम 4a टू 2a। मतलब आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, ये अब क्या लिख दिए हम यहाँ पे, रिड्यूस, लिखो लिखो जल्दी से। ऑप्शन लेगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a 3 के क्यू स्क्वायर बाय 2a 4 के क्यू स्क्वायर बाय 3a उसके बाद 2 के क्यू स्क्वायर बाय 3a। सॉरी सॉरी, इसको इसको 4 कर दो, इसको भी 4 कर दो, हाँ या इसको 3 कर दो, 3 कर दो, इसको इसको 4 कर दो। क्या बोली, अरे दो ऑप्शन तो सही, एक ही लिखा गया, इसको यही रहने दो चलता। हाँ आ गया, सेकंड आ गया, आया ना। देखो अभी जस्ट बोले थे पहले क्या करना है, जो इनिशियल केस है उस पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कह सकते हैं इनिशियल, है ना,
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी यू आई, तो यू आई कितना होगा? इसमें तीन केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय फोर ए, और सिमिलर चार्ज है ना, इसको क्या करो तीन से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में क्या? क्लियर है ना रे सबको? आइडेंटिकल है तो चार्ज ये यू है। तो यू एफ के लिए यानी ये जो चार्ज अब जो इसका डायग्राम बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये तो Q Q, अब ये हो जाएगा 2A 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 Q है ना। तो फिर से चार्ज तो सेम है, ये रिड्यूस हो गया बाय इनटू 3। क्लियर है कि नहीं है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई होता है ना, सबको क्लियर है? तो यहां से जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाय 4a माइनस, सॉरी हाँ माइनस कितना, u इनिशियल कितना है, ये तो 2a होगा ना, फाइनल कितना होगा 3 के क्यू स्क्वायर बाय 4a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 टू जा 6 के क्यू स्क्वायर माइनस 3 के क्यू स्क्वायर, यहाँ से 3 के क्यू स्क्वायर बाय 4a। क्लियर है? ऑप्शन दे सकें कितना लोग बनाया था, एक तो रघुनाथ का आवाज आया था, और चलो गौतम राहुल प्रीति, प्रीति का बना था कि नहीं बना था, क्या है समझ में नहीं आ रहा है? सो चलो बनाइए, और क्वेश्चन करेगा, चलो अब रहने दो है ना, अब टारगेट में हमारा क्लास है 6 मिनट में, तो चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मीटा लीव कर जाऊं, बाय बाय, ठीक ठीक।